हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह याद करने की ट्रिक, यानी कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊँगा इसी वीडियो में जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये लाइक करने के लायक है तो इसको लाइक कीजिए, अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मुंबई, यानी मुंबई बंदरगाह। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ आप मुंबई के नाम से ही पता कर लेंगे कि मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद है न्हावा सेवा बंदरगाह। न्हावा सेवा बंदरगाह है ये भी महाराष्ट्र में, लेकिन आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। देखिए, जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो नहावा, नहा, या अगर इसको मैं होता है तो क्या बन गया है, महा। तो महा महाराष्ट्र, ठीक है, नहा महा, एक ही जैसे साउंड है, नहा महा। तो बस नहावा सेवा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नंबर 3, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, अब देखिए कांडला है गुजरात में। ट्रिक बहुत ही ईजी होने वाली है इसकी। देखिए कांडला, कांडला बॉर्डर है कांड, और जो भी कांड है वो कब होते हैं, रात में, रात के अंदर ही में होते हैं। देखिए कांडला यानी कांड, और कांड का कहाँ कब होते हैं, रात में। तो बस कांडला बंदरगाह गुजरात। नेक्स्ट है मार्मा गोवा बंदरगाह, ये है गोवा में। अब देखिए इसकी ट्रिक भी बिल्कुल ईजी है, मार्मा गोवा, और इसमें नाम में ही आ गया मार्मा गोवा, गोवा, तो गोवा गोवा में। आई होप आपको, अब इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए रट आप सकते हैं, लेकिन रटने के बाद होता क्या है कि कुछ टाइम बाद आप इनको भूल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, आप सिर्फ नाम से ही पहचान लेंगे कि हाँ यहाँ पर है, क्योंकि हम इनके बीच रिलेशन बना रहे हैं। अब ऐसी है कोची, तो अगर जिसको पता होगा कि कोची कहाँ पर है तो केरल में है, लेकिन जिनको नहीं पता तो ट्रिक देख लीजिए। देखिए कोची बंदरगाह, अब कोची, कोची में वर्ड आ रहा है कोच। अब कोच किस में होते हैं, रेल में, कोच होते हैं रेल, तो रेल कोची केरल, यानी रेल से हमें एक ही राज्य मिलेगा जिसमें रेल वाली साउंड आ गई, केरल। तो बस कोच होते हैं रेल में, तो कोची हो गया केरल। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर, नेक्स्ट है न्यू मंगलोर, यह है कर्नाटक में। अब देखिए मंगलोर, अगर यहाँ पे बंग बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बंगलोर, यानी मंगलोर बंगलोर एक ही जैसी साउंड है। तो बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो बस न्यू मंगलोर हो गया कर्नाटक, बिल्कुल ईजी है, न्यू मंगलोर कर्नाटक। नेक्स्ट है कोलकाता। अब देखिए कोलकाता तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है, नो ट्रिक, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ऐसे ही चेन्नई, चेन्नई तो तमिलनाडु में ही है, तो चेन्नई तमिलनाडु। तो देखिए कोच्चि, कोच होता है रेल का, तो केरल। न्यू मंगलोर यानी बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में। कोलकाता पश्चिम बंगाल, और चेन्नई तमिलनाडु। देखिए ये तो आप सभी को पता है, इसलिए इनके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए विशाखापत्तनम, यह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए पत्तनम यानी किसी भी चीज़ का पतन होना, यानी कोई चीज़ पतन होना मतलब कोई चीज़ समाप्त हो जाना, पतन होना। तो पतन कब होता है, जब वो चीज़ अंधकार की ओर जाती है, यानी अंधेरे की ओर जाती है। तो विशाखापत्तनम यानी पतन, और किसी भी चीज़ का पतन कब होता है, जब वो जाती है अंधेरे की ओर यानी अंधकार की ओर, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पारादीप। अब देखिए पारा यानी पर, अब किसी के अगर पर निकल आते हैं तो वो क्या है, उड़ने लगता है, यानी उड़ता तो परों से ही है ना। तो पारादीप यानी पर, और पर निकलने के बाद कोई भी क्या है, उड़ने लगता है, तो उड़ो यानी उड़ीसा। नेक्स्ट है तूतीकोरिन तमिलनाडु। अब देखिए तूतीकोरिन, तूती यानी तूतू मैमे कोरिन, यानी तूतू मैमे करना। अब तूतू मैमे कब करते हैं, मिलने पर ही करते हैं एक दूसरे से, तो तूतीकोरिन यानी तूतू मैमे करिन कब करते हैं, मिलने पर, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है एन्नोर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में। अब देखिए एन्नोर, एन्नोर कैसा लग रहा है, जैसे एग्नोर यानी इग्नोर, एन्नोर इग्नोर एक जैसी साउंड है। अब देखिए कोई किसी को इग्नोर कब करता है, जब वो उसे मिला और बिना देखे ही चला गया, मतलब देख के अनदेखा करना। तो एन्नोर यानी इग्नोर, इग्नोर कब करते हैं, मिलने पर, तो मिल तमिलनाडु। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए पोर्ट ब्लेयर में साउंड आ रही है कोर्ट ब्लेजर,
कोट ब्लेयर यानी कोट ब्लेजर। अब देखिए कोट ब्लेजर जो पहनने वाला होता है, तो कोट ब्लेयर यानी कोट ब्लेजर, और कोट ब्लेजर पहनने के बाद क्या है, मान सम्मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मान सम्मान। तो बस कोट ब्लेजर पहन के मान सम्मान बढ़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बंदरगाह थे, यानी 13 प्रमुख बंदरगाह है, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले है, नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो नहावा सेवा कहाँ पे बताया था मैंने, नहा यानी महा, महा यानी मुंबई में यानी महाराष्ट्र, ठीक है, महा महाराष्ट्र। तो ये जो नहावा सेवा बंदरगाह, इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से। ऐसी है कांडला बंदरगाह। अब देखिए मैंने आपको बताया था कांडला, याद आ गया होगा आपको, गुजरात, यानी कांड होते हैं रात में तो गुजरात। अब ये जो कांडला बंदरगाह है, इसको मुक्त व्यापार वाला ज्वारीय बंदरगाह है। तो देखिए ज्वारीय बंदरगाह भी है ये, और ये मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त व्यापार बंदरगाह है, तो कौन सा है, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, हल्दिया बंदरगाह के। नेक्स्ट है, और देखिए ये कोलकाता जो बंदरगाह है हुगली नदी पर है। अब यहाँ पर ये बाकी सब देखिए जो है, कोई अरब सागर में है, कोई बंगाल की खाड़ी में, तो ये जो है हुगली नदी पर, ये नदी पर है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर है। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए कॉल, अब हम किसी को कॉल करते हैं तो क्यों करते हैं, हम उससे गल यानी बात करने के लिए। किसी को अगर हम कॉल करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि हमें उससे बात करनी होती है, बात करने का मतलब गल करनी होती है, तो हुगली नदी। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद है विशाखापट्टनम, ये जो है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है, तो विशाखापट्टनम और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। अब देखिए ये मैंने आपको नहीं बताया था, यानी दाहेज बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट है कि इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये दाहेज कहाँ पर है, गुजरात में, और इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आज के हमारे सभी बंदरगाह वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।